Hello bachcho let's read this question the question says the complex number z is equals to x plus iy which satisfy the equation magnitude of z minus 5i 5, 5 upon z plus 5i 5, 5 is equals to 1 lie on the given option are option a is the x axis option b is the straight line y is equals to 5 option c is a circle passing through the origin and option d is none of the above now let's see the key concept for the question सो so, पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई सो यहाँ पे हमारा x x क्या है इज 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 आवर रियल रियल पार्ट पार्ट इट एंड y is, जो जिस टर्म के साथ आयोटा लगा होगा वो हमारा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट सो दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट सो अगर हमें मैग्निट्यूड ऑफ z निकालना है तो so हम लोग क्या करेंगे इसको रूट ओवर रियल पार्ट का होल स्क्वायर रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा जेड का मैग्निट्यूड मिल जाएगा इसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर इसको मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सो अब हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो so, हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि हमारा z क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इट इज टू एक्स प्लस आई वाई ये फॉर्म में एक्स इसका रियल पार्ट है एंड वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है एंड हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सो हमें जेड के बारे में यहाँ पे बताना है सो so पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं सो so हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड्युलड माइनस फाइव फाइव अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस फाइव आई टू वन अब हम लोग so, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा अगर हम वैल्यू रखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या है एक्स प्लस आई वाई माइनस फाइव फाइव हो जाएगा इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं एंड डिनोमिनेटर uh, में क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस टू वन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रियल पार्ट को एक साथ ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सो so, यहाँ पे हमारा रियल पार्ट क्या है हमारा रियल पार्ट है एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट में से हम लोग आई कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा वाई माइनस फाइव अपॉन मैग्निट्यूड ऑफ यहाँ पे भी हमारा रियल पार्ट x है एंड इमेजिनरी पार्ट से i कॉमन करेंगे तो हमें मिल जाएगा y अंडर मैग्नीट्यूड इज़ टू अब हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं डिनोमिनेटर so, है, so में भी कर लेते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है वाई प्लस फाइव सो वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन So, अब हम लोग इसको राइट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं सो so, क्या हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर अब क्या करते हैं अब स्क्वायरिंग कर देते हैं सो डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड So, यहां से हमें क्या मिल जाएगा अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जाएगा अब हम लोग वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सो वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी माइनस टू ए बी क्या हो जाएगा टेन वाई इज टू इधर क्या हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सो so, प्लस हो जाएगा पे 25, 25 so, यहां से हमें क्या मिल गया uh, यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू जीरो सो वी गेट वाई इज इक्वल टू जीरो से हमें क्या कॉन्क्लूजन निकला इफ y is equals to zero. जब y जब y है तो हमारा z करेगा? Then, z करेगा x राइट आंसर नाउ लेट्स ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा हमारे आंसर से ऑप्शन ए द x एक्सिस इज द राइट आंसर होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक